स्कूल संघ हांसी के तत्वाधान में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खूबसूरत प्रांगण में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप नलवार रहे व अध्यक्षता अर्जुन अवार्डी डीएसपी वीरेंद्र सागवान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला एसएचओ सुनीता देवी, नन्नी देवी, एडवोकेट मनोज कुश व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान सत्यवान कुंडू रहे। इस अवसर पर हांसी के प्रधान रविंद्र अत्री, सरपरस्त अनिल कुमार, सतीश वर्मा, संदीप सापला, अनिल कुमार, सुनीता देवी, रामावतार सहित काफ़ी संख्या में स्कूल मुख्याध्यापक व प्राचार्य व अध्यापकगण उपस्थित रहे। समारोह के अंदर उत्कृष्ट आने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, साथ ही छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने और छात्रों ने एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट की। यह दिवस शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मेरी जयंती के ऊपर किसी भी स्कूल की छुट्टी ना हो और शिक्षकों को सम्मानित किया जाए, और गुरु और शिष्य का एक संबंध एक ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक एक कच्ची माटी की तरह जो बच्चा होता है उसे तराश कर उसे एक आकार दे और देश का भविष्य बनाए। प्रथम गुरु होती है माँ जो बोलना सिखाती है, द्वितीय गुरु होता है शिक्षक जो देश का भविष्य निर्माता कहलाता है, और तृतीय गुरु होता है अध्यात्म गुरु जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। स्कूल पर सभी वक्ताओं ने शिक्षकों की महिमा पर जोर दिया और यह भव्य कार्यक्रम इतना शानदार रहा कि ये ब्लॉक फर्स्ट का कार्यक्रम था और बहुत से स्कूलों ने इसमें भाग लिया। सभी ने करतल धवने के साथ बच्चों की प्रस्तुति पर यानी कि उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर अर्जुन अवार्डी डीएसपी ने कहा कि मुझे आज ये कार्यक्रम देख शिक्षकों की और मेरे गुरुओं की याद आती है, मैं क्यों ना आज स्कूल में फिर दोबारा पढ़ने जाऊं ऐसा मुझे लगने लगा है। वहीं उपस्थित यानी कि डीओ साहब ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षक को अपनी कर्तव्य का निर्वहन। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आत्मा का सौंदर्य है शब्द रूपी काव्य, मानव होना भाग्य है, एक गुरु होना सौभाग्य। आज टीचर्स डे है, हम याद करते हैं हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पूरे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। बजाइए अपने लिए ही तालियाँ बजाइएगा अध्यापक। अध्यापक एक ऐसी मोमबत्ती है जो खुद जलकर दूसरों को यानी कि रोशनी देता है। अध्यापक के बारे में कहें कि सड़क जो जाती है ना वो वहीं खड़ी रहती है लेकिन उस पर चलने वाले को मंजिल तक पहुंचा देती है। ये अध्यापकगण भी ये सबको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मेरे साथ हैं सबसे पहले तो मैं डीएसपी साहब, जो ये बैजेस लगे हुए हैं ना, और जब आप ये प्लेयर रहे थे, आप ये बेटे एक मिनट प्लेयर रहे थे जो आप, और उसके बेस पर आपको मिली तो स्कूल का असर है आपके ऊपर, कितना अध्यापकों को यानी कि साधुवाद देते हैं अध्यापकों को। सबसे पहले तो टीचर डे की बहुत बहुत बधाई हो, और जो आज मैं डीएसपी लगया हूँ या हमारे बच्चे और भी ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं वो गुरुओं का ही आशीर्वाद है और माँ बाप का। स्कूल में भी रहा और जिस भी संस्था में रहे, रेसलिंग अकेडमी में या जहाँ भी प्रैक्टिस करी, वहाँ अच्छे गुरु मिले, तो अर्जुन अवार्ड भी मिला, कॉमनवेल्थ में मेडल आया, तो इनको पूरी एसोसिएशन को इनको बधाई हो बहुत बहुत ये इतना अच्छा फंक्शन करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। आज आपको बच्चा बनने का दिल नहीं करते कि दोबारा स्कूल में जाऊं? हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोशिश यही है बच्चों के साथ बच्चे ही रहें और जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको अच्छी तरह से निभाएं। मेरे साथ कुंडू साहब जो हरियाणा स्तर के संघ के प्रधान हैं। कुंडू साहब, कैसा लगता है गुरु दिवस पर? हम लोगों को तो आपको नमन करते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल संघ हांसी है
जो प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस बहुत धूमधाम से मनाता है, इनको मैं बहुत बहुत सभी मेंबर्स को, सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस दिन एक बहुत गौरव का दिन है। टीचर्स को सम्मानित किया जाता है, और एक कहावत भी है कि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो ये वो टीचर्स हैं पूरी दुनिया बदलने के लिए, पूरे ज्ञान को पसरने के लिए। तो इसी तरह से आज जब जो पूरे ब्लॉक के अंदर जो टीचर्स स्कूल में टॉपर टीचर है, टॉपर बच्चा है, उसको भी सम्मानित करने का जो अब काम कर रहे हैं, ये भी बहुत एक आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत रास्ता है। तो इसलिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा बहन जी, क्या कहना चाहेंगे टीचर्स डे पे? आप भी तो पढ़ी होगी, स्कूल गई होगी या सीधे स्टार लग गए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल, गुरु के बगैर तो हमारा ये जीवन लीला ही अधूरी है। और मैं सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम यहाँ पर आए और हमें इतना अच्छा शिक्षक के वो डिसिप्लिन देखा, और अब भी और भी फंक्शन हम देखेंगे, तो गुरु के बगैर तो कोई भी इंसान काबिल नहीं बनकर रहता है। बिल्कुल, तो यानी सोना चोरी हो सकता है, आप रपट लिख सकते हैं, गोल्ड चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान चोरी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा मैं मनोज कुश जी, ये आपको बार्बर सैलून नहीं मिला, ये जुल्फे फैशन में है? सिर्फ अपना स्टाइल होता है सर काम करने का। और रही बात जहाँ तक बात है आइडेंटिटी की होती है, आइडेंटिटी जैसे आप गूगल, जैसे आप गूगल लगा के अलग से डिफरेंट लुक है आपका, वही चीज़ होती है जो यूनिफॉर्म होती है, आपका हेयर स्टाइल होती है, पर्सनालिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। आप अलग से जब तक नहीं आइडेंटिफाई होगे ना, तो दुनिया क्या चीज़ है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाती। गुरु रविशंकर जी की संज्ञा दे दूँ, बताइए गुरु जी का क्या महत्व होता है? जहाँ तक गुरु का बात है, देखो गुरु जी हमारे को फर्स्ट एज से मिलते हैं, जहाँ पे हम जब पैदा होते तो हमारी माता पिता हमारे गुरु का काम करते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं गुरु का काम करते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन में आते हैं हमारे सीनियर होते हैं हमारे को क्या चीज़ें सिखाने का काम करते हैं। अब चीज़ आती है कि हम उस गुरु की महत्ता को जानते हैं या नहीं जानते, उसका कितना हम महत्व रखते हैं, हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, वो सारा डिपेंड करता है अपने ऊपर। पहले हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी, पहले हम क्या चीज़ कहावतें सुनते, जैसे आपने बताया कि मोमबत्ती, जैसे गुरु क्या होता है, मोमबत्ती के समान होता है, सिर्फ सुनने के लिए हम सोचते थे, लेकिन जब हम उसको रियलाइज करते हैं, जब उसको सोचते हैं, तो वो लगता है कि रियल में वो कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ डायरेक्टर अनिल जी, मैं जाऊंगा उधर भी जाऊंगा। हाँ जी, आज हमारे स्कूल के अंदर, इस प्रांगण के अंदर हमारा सौभाग्य है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पूरी हांसी यूनिट ने, शहरी और ग्रामीण ने हमारे स्कूल को मनाने का एक कार्यक्रम किया गया, और उपस्थित सभी स्कूल संचालक और जो हमारे DSP साहब, सभी जो मेन अधिकारी आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप अत्री जी, आप प्रधान हैं स्कूल संघ के, तो क्या कहना चाहते हैं? ये खूबसूरत सा शिक्षक दिवस है, और आप लोगों की आशीर्वाद से तो हम यहाँ मंच पर खड़े हैं। सर, आपका स्वागत करते हुए मैं तमाम अतिथिगण का आभार व्यक्त करता हूं, और उन सभी अध्यापकगण को भी बधाई देता हूं जो अपने विद्यालय में से सर्वश्रेष्ठ चुनकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप यूं ही अपने विद्यालय के प्रति कार्य करते रहें, और देश का भविष्य आप बनाते रहें। सापला जी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सभी गुरुओं को प्रणाम नमन करना चाहूँगा, और उसके बाद जैसा रविंद्र जी ने भी बताया, हमारा इससे जो प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेशन मिले, अध्यापकों को जब चुना जाएगा तो यही रहता है कि वो लगन से काम करें और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का वो निरंतर काम करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद।